Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank the Wings of Desire for giving me this opportunity to stand in front of you and share my views. क्योंकि ये open mic है, तो मतलब बहुत दिनों से मेरे दिमाग में जो चल रहा था, उसी को आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आजकल पिछले कुछ दिनों से लगभग मतलब एक टॉपिक आ रहा है जो बहुत कॉमन सा हो गया है। भले ही मतलब वो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को, मतलब एक बहुत खराब इशू है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो क्या रहा है कि मतलब वो बहुत कॉमन इशू बन गया है और सबको उस बारे में पता है। और उस जो इशू पे बात करना चाह रहा हूँ मैं, वो है आज रेप केसेस। तो आजकल पिछले कुछ दिनों से ये केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से मतलब हर रोज 90 केसेस रिपोर्ट होते हैं रेप के। अगर रोज 90 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो आप समझिए इंडिया जैसे कंट्री में 90 केसेस अगर रिपोर्ट हो रहे हो तो कितने केसेस ऐसे होंगे जो रिपोर्ट ना हो रहे हो, जिनको दबा दिया जाता है। इंडिया में 100-100 लोगों का, लड़कियों का रोज बलात्कार होता है। किस वजह से होता है? वजह अगर हम समाज में जाए और समाज से पूछे, समाज हमें क्या बोलेगा? पहले समाज हमें बोलेगा कि लड़कियां अगर जवान लड़कियां अगर रास्ते में घूमे तो ये तो हो गए। अगर ये वजह होता तो एक छोटे बच्चे 10 महीने 9 महीने बच्चे का रेप नहीं होता। लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां घूमेंगे तो उनका रेप नहीं होगा। अगर ये बात होती तो बुरखे वालों का भी रेप नहीं होता, साड़ी वालों का भी रेप नहीं होता। अगर लोग बोलते हैं कि अगर लड़कियां है भाई नेचुरल है, लड़के देखेंगे अट्रैक्ट होंगे, रेप तो होगा। अगर ऐसा होता तो लोग अपने बहन का भी रेप करते, सिर्फ पराए लड़कियों का रेप नहीं करते। तो हमें समझना पड़ेगा कि है क्या चीज ये। अगर ये सब रीजंस नहीं है, ये सब बस बेकार की बातें जो समाज के लोग हमें बताते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ये गलती समाज की है, ये गलती हमारी सोच की है। जो सोच हमारे समाज में पैदा हो गई है उस सोच की गलती है ये। तो हमें करना क्या होगा? पहला चीज जो हम लोग आज के हमारे जो सोसाइटी है उसमें उस चीज की बहुत कमी है, जो कि है सेक्स एडुकेशन। तो लोग इस शब्द को मुंह में लेने से भी शर्माते हैं कि ये सेक्स, ये आवाज मतलब जब भी मुंह में है लोग शर्मा जाते हैं कि है क्या चीज, भले ही बहुत कॉमन चीज है। तो जबकि उनको पॉजिटिव वे में उसका एडुकेशन नहीं मिल पाता, जब उसका नॉलेज लोगों को नहीं मिल पाता, तो वो ऐसे ऐसे सोर्सेस से उनको ये पता चलता है जो कि गलत तरीके से उनको पता चलता है, जिसकी वजह ये है। तो हमें हमारे सोसाइटी में सेक्स एडुकेशन को प्रमोट करना होगा। और दूसरा चीज जो मुझे लगता है, वो भले ही इतना ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब कारण में, कि हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, हम दोस्तों में हो कहीं भी चल रहे हो, हम गाली गलौज जब भी करते हैं, मैं यहाँ पर वो गाली मुंह में नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ज्यादातर गालियां जो हम देते हैं वो हमारे मदर्स या हमारे सिस्टर्स रिलेटेड होते हैं, जो हम मुंह से हमेशा बोलते हैं। उस भले ही उस पे ध्यान नहीं जाता, लेकिन एक किसी ने कहा था कि जो हम सुनते हैं वही हम करते हैं, जो हम सुनते हैं जो हम देखते हैं उसी से हमारी सोच डेवलप होती है। तो हमेशा अगर हम ऐसे शब्द सुनेंगे जो हमारे माँ बहन से रिलेटेड हो तो ऑब्वियसली सोच वैसा होगा। तो हमें हमारे शब्दों पर भी लगाम लगाने होंगे। और लड़कों को कहना चाहूंगा, मतलब लड़कों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अगर अकेली कहीं पे एक लड़की दिख जाए वो हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी इज्जत उसकी रक्षा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेली लड़की हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। और लड़कियों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो वो आप अपने तक मत रखो, अपने फैमिली से शेयर करो। अगर आप आज शेयर नहीं करोगे, आज कोई कम कर रहा है कल ज्यादा करेगा, कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपके साथ कुछ हो तो आप फैमिली से शेयर करो। अगर इंटरनेट के जरिए कुछ हो रहा है तो आप साइबर क्राइम से उनमें आप रिपोर्ट करो। आप अपने तक मत रखो, सब चीज शेयर करो लोगों से, तभी आपकी सेफ्टी हो पाएगी। तो आखिर में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें हमारे समाज की सोच बदलनी पड़ेगी, उसी से ये सब गलत कामें रुक सकती है और हमारा समाज एक नया दौर ला सकता है।